हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू PMR स्मार्ट लर्निंग। और आज मैं क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट टू का रिड्यूस सिलेबस 2021 और 22 ईयर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं साइंस पार्ट टू का रिड्यूस सिलेबस। तो सबसे पहले पेज नंबर 1 पर आपको नीचे की फोर्थ लाइन, यानी कि यहाँ से लेकर तो इंस्टेड ऑफ थायमिन ऑफ DNA, मतलब यहाँ तक आपका ये दो तीन लाइन जो ये कट हो चुकी है। आगे आ जाइए पेज नंबर 3 पर, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर लाइन दिख रही होगी 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, वहाँ से लेकर तो नीचे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड, तो यहाँ तक आपका कट है। और यहाँ पे जो बॉक्स है पीक इनटू द हिस्ट्री, ये भी आपका जो बॉक्स है ये कैंसिल हो चुका है। आगे पेज नंबर 4 पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैन यू टेल, और नीचे यूज ऑफ ICT, तो ये दोनों जो है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब आते हैं पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 पर आपको यहाँ पे यूज ऑफ ICT दिख रहा होगा, ये फॉसिल्स के डायग्राम के राइट साइड में, तो ये भी बॉक्स है ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। अब पेज नंबर 6 पर आते हैं। पेज नंबर 6 पर आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, तो ये भी बॉक्स आपका कैंसिल कर दिया गया है। और इसके बाद पेज नंबर 8 पर आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट और एक, तो ये भी कैंसिल हो गया है। और पेज नंबर 8 पर ही आपको नीचे भी और एक है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट का बॉक्स, वो भी आपका कट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, तो ये जो साइंटिस्ट है इनका इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में से कैंसिल कर दिया गया है। और इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 8 पे ही इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, तो ये जो इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड वाला बॉक्स है ये भी एक्टिविटी आपकी कैंसिल कर दी गई है। स्टूडेंट्स अब आ जाइए पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पर आपको दिख रहा होगा जर्नी ऑफ ह्यूमन केयर डायग्राम 1.12, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दी गई है। इसके बाद सेकेंड लेसन पे आते हैं। सेकेंड लेसन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैन यू टेल, तो ये जो कैन यू टेल का बॉक्स है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है पेज नंबर 12 पर। और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा यूजर ब्रेन पावर और एक कैन यू रिकॉल है, तो ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 13 पर ऑब्जर्व, ये जो आपको डायग्राम दी गई है राइट साइड में, और ऑब्जर्व करके इसके लेबल देने आपको, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस की गई है। और इसी के नीचे आपको कैन यू टेल के 3 क्वेश्चन दी गए हैं, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। अब आ जाइए पेज नंबर 14 पर। यहाँ पे आपको एकदम लाइट ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा होगा ATP, जिसमें आपको एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP के बारे में बताया गया है, तो ये भी आपका सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। आगे आ जाइए पेज नंबर 15 पर। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया गया है सर हैंस क्रैब, तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये भी आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 16 पर। यहाँ पे आपको कैन यू टेल के 2 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। और इसी पेज में नीचे ऑलवेज रिमेंबर का आपको बॉक्स दिया गया है, जिसकी फर्स्ट लाइन एक्सेस यूज ऑफ अमीनो एसिड है, तो एक्सेस यूज ऑफ अमीनो एसिड के बारे में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई, तो ये आपके रिड्यूस हो गई है। अब आ जाइए पेज नंबर 17 पर। आपको ऊपर दिख रहा होगा यूज योर ब्रेन पावर, पेज नंबर 17 पर ये यूज योर ब्रेन पावर, और उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ये दोनों कट है। और इसके नीचे आपको और एक दिख रहा होगा कैन यू टेल, ये कैन यू टेल भी इसके पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब आइए अगले पेज पर, यानी कि पेज नंबर 18 पर। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा कैन यू रिकॉल व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट इज इट्स नेम इन द फिगर, तो ये भी आपका रिड्यूस है। और इसके बाद पेज नंबर 20 पर यहाँ पे आपको ट्रायरिस की एक्टिविटी दी गई, ये भी आपके रिड्यूस है। और इसी के नीचे यूज योर ब्रेन पावर है, ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। और इसी के नीचे आपको यूज ऑफ ICT और बुक्स आर माई फ्रेंड दिया गया है, तो ये दोनों बॉक्सेस रिड्यूस है, मतलब ये पेज ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस ही कर दिए गए हैं। तो अब आते हैं पेज नंबर 22 पर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कैन यू रिकॉल ऊपर, तो ये भी रिड्यूस है। और इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, यानी कि ये स्पायरोगायरा वाला, वेन एवर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स से लेकर फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू साइकॉन तक। आगे आइए पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पर आपको यहाँ पे ट्राइडिस दिख रहा होगा, ये स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पे, तो ये भी आपका सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं।
और इसके बाद पेज नंबर 26 पर यहाँ पे आपको दिया गया लेट्स थिंक, तो लेट्स थिंक के दोनों आपके कट है। और इसके बाद पेज नंबर 24 पर यहाँ से लेकर मतलब मेनी फ्लावर्स से लेकर तो हैप्लॉइड सेल एंड टू हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई तक आपका रेडियस है। और इसी पेज पर नीचे डू यू नो और यूज ऑफ ICT, ये जो दोनों बॉक्सेस है ये दोनों आपके रेडियस किए गए हैं। और इसके बाद पेज नंबर 28 पर आपको ट्राइरिस दिया गया है, ये सीड जर्मिनेशन वाला, तो ये जो ट्राइरिस है ये आपके सिलेबस में से रेड्यूस किया गया है। और इसके बाद पेज नंबर 29 पर यहाँ पर आपको दिया गया है सरप्राइजिंग फैक्ट्स का आपको ये बॉक्स दिया गया है, ये भी आपका सिलेबस में से रेड्यूस है। और इसके बाद यहाँ पे आपको डू यू नो दिख रहा होगा पेज नंबर 30 पर, तो ये भी पूरा का पूरा आपके सिलेबस में से रेड्यूस है। और इसी के नीचे आपको पेज नंबर 30 पर दिख रहा होगा डेवलपमेंट एंड बर्थ, तो ये भी पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके सिलेबस में से रेड्यूस किया गया है। स्टूडेंट्स अब आइए पेज नंबर 31 पर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में कैन यू टेल, तो ये कैन यू टेल के दोनों प्रॉब्लम आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं। और इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 33 पर, पेज नंबर 33 पर आपको दिख रहा होगा इंटरनेट इज माई फ्रेंड, तो ये भी आपका सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। और अब आ जाइए पेज नंबर 34 पर, पेज नंबर 34 पर आपको यहाँ पे ये जो डू यू नो और उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा रिड्यूस किया गया है। अब आ जाइए पेज नंबर 36 पर, पेज नंबर 36 पर आपको दिख रहा होगा कैन यू रिकॉल और थिंक कैन आंसर, तो ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं। अब आइए पेज नंबर 37 पर, पेज नंबर 37 पर आपको ये फ्लोर चार्ट दिख रहा होगा, कंप्लीट द चार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है इकोसिस्टम का, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। अब आ जाइए पेज नंबर 38 पर आपको और एक दिया गया कैन यू रिकॉल, तो कैन यू रिकॉल भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। इसके बाद पेज नंबर 38 पर आपको दिया गया है ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन, तो ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन का पूरा चार्ट और क्वेश्चन कट है आपके सिलेबस में से। और पेज नंबर 39 पर और एक चार्ट दिया गया है कंप्लीट द चार्ट, ये पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन वाला, तो ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। अब पेज नंबर 40 पर आइए, पेज नंबर 40 पर आपको दिया गया है डू यू नो और अ पीक इन टू द हिस्ट्री, तो ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन वाला ये डू यू नो का बॉक्स, और इसके नीचे आपको दिख रहा होगा ये स्किन कलर में अ पीक इन टू द हिस्ट्री। और इसके नीचे आपको नीचे दिया गया है कंप्लीट द चार्ट, ये नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वाला, ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। अब पेज नंबर 41 पर देखिए, पेज नंबर 41 पर आपको दिख रहा होगा डू यू नो लेट्स डिस्कस इंटरनेट इज माय फ्रेंड एंड ऑलवेज रिमेंबर, तो ये चारों के चारों बॉक्सेस आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। अब आ जाइए पेज नंबर 42 पर, आपको यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा होगा स्किन कलर में बॉक्स देयर शुड बी पॉजिटिव एटीट्यूड से लेकर तो फॉर दैट रोल तक आपका सिलेबस में रिड्यूस है। के बाद आइए पेज नंबर 43 पर, आपको यहाँ पे दिखेगा हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व, तो ये बॉक्स और इसमें के सातों पॉइंट आपके कट है। और इसी के नीचे आपको ये येलो बॉक्स दिख रहा होगा वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, तो ये भी आपके सिलेबस में रिड्यूस है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाइए पेज नंबर 44 पे, पेज नंबर 44 पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थिंक एंड आंसर, तो ये जो थिंक एंड आंसर का जो क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। इसके बाद अगले पेज पे, पेज नंबर 45 पे आपको दिख रहा होगा रिकॉल अ लिटिल, तो ये रिकॉल अ लिटिल जो है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। और इसी पेज पर नीचे आपको दिया है डू यू नो, ये डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर और थिंक जो है ये तीनों के तीनों आपके सिलेबस में से रिड्यूस किए गए हैं। अब आ जाइए पेज नंबर 46 पर, पेज नंबर 46 पर यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है यहाँ पे ये बूंद के नीचे, तो यह प्रोजेक्ट भी आपका रिड्यूस किया गया है। अब पेज नंबर 47 पे देखिए, पेज नंबर 47 पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कैन यू रिकॉल, तो ये जो कैन यू रिकॉल है ये भी रिड्यूस है। और इसी पर आपको दिख रहा होगा इसी पेज पर नीचे मेक अ टेबल, तो ये जो मेक अ टेबल का है ये भी आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। अब आइए पेज नंबर 49 पे, यहाँ पे आपको ऊपर का जो ये पैराग्राफ दिख रहा है जितना स्क्रीन पे दिख रहा है आपको उतना कट है, और इसके नीचे का यूज़ ऑफ ICT जो बॉक्स है येलो कलर का वो भी रिड्यूस है पेज नंबर 49 पर। अब आ जाइए पेज नंबर
50 पर, पेज नंबर 50 पर आपको दिख रहा होगा डू यू नो, यहाँ पे प्लेस स्टेट और कैपेसिटी का ये बॉक्स दिया गया है, ये भी आपका रेडियस है। इसके बाद आइए पेज नंबर 51 पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरनेट इज़ माय फ्रेंड, यहाँ पे भी प्लेस स्टेट कैपेसिटी का ये बॉक्स दिया गया है, ये भी आपका है, यहाँ पे रेडियस है। और इसी पेज पर आपको नीचे दिया गया है कंपेयर, ये यहाँ पे ये येलो कलर का बॉक्स कंपेयर का, तो ये भी आपके सिलेबस में से रेड्यूस कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो अब आगे देखते हैं, आगे पेज नंबर 52 पर आइए, पेज नंबर 52 पर आपको ये सम नेचुरल गैसेस बेस्ड पावर प्लांट्स एंड देयर कैपेसिटी, तो ये जो बॉक्स है ब्लू कलर का, ये आपके सिलेबस में से रेड्यूस है। और इसके बाद पेज नंबर 53 पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उतना कट है, यहाँ पे राइट साइड का येलो बॉक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड एनवायरनमेंट का पूरा पैराग्राफ कट है आपके। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट, ये पूरे पैराग्राफ। अब आ जाइए पेज नंबर 54 पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज योर ब्रेन पावर, तो ये जो यूज योर ब्रेन पावर के तीनों क्वेश्चन है, तीनों के तीनों कट है। अब आइए पेज नंबर 55 पे, 55 पे आपको दिया गया है यहाँ पे डू यू नो प्लेस स्टेट और कैपेसिटी वाला, तो ये भी आपका रेड्यूस है। इसके बाद आइए पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 56 पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गेट इन्फॉर्मेशन, और इसके लेफ्ट साइड में जो 5.22 है विंड टर्बाइंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, ये दोनों आपका यहाँ पे रेड्यूस है। अब पेज नंबर 57 पर आइए, यहाँ पर आपको इफ 2 सोलर सेल से लेकर तो एकदम लास्ट तक, मतलब पूरा का पूरा पेज यहाँ पे कट है ये सभी डायग्राम्स को लेकर। अब आइए पेज नंबर 58 पर आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में फाइंड आउट, तो ये फाइंड आउट का जो पूरा बॉक्स है ये आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद आइए पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर 59 पर आपको यहाँ पे डू यू नो दिया गया है, यहाँ पे सोर्सेस वर्ल्ड और इंडिया यहाँ पे दिया गया है परसेंटेज, ये वाला बॉक्स डू यू नो का ये रिड्यूस है। और इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 61 पर, यहाँ पे इस चार्ट के नीचे आपको दिख रहा होगा कैन यू रिकॉल हाउ प्लांट्स आर क्लासिफाइड, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी आपका कट है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 62 पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन वाला, ये वाला आपका कट है। और इसके नीचे यहाँ पे ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये पूरा कट है। अब आइए पेज नंबर 63 पर, आपको यहाँ पे लास्ट वाला पैराग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ से लेकर तो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ लास्ट वाला ये रिड्यूस है। और इसके बाद पेज नंबर 64 पर ये क्राइटेरिया फॉर न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये वाला आपका पूरा रिड्यूस है। इसके बाद पेज नंबर 65 पे आपको दिख रहा होगा ऑब्जर्व, ये वाला बॉक्स ऑब्जर्व का, ये पूरा का पूरा आपका रेड्यूस है। और इसी के नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बॉडी साइमेट्री का, ये पेज नंबर 65 पर ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये पूरा कट है, तो यहाँ तक भी आपका ये रिड्यूस है। पेज नंबर 66 पर ये बॉडी कैविटी और बॉडी सेगमेंटेशन वाला, ये भी पूरा आपका रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 68 पर देखिए, आपको दिख रहा होगा डू यू नो बाथ स्पंज, तो ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है।
और इसके बाद पेज नंबर 68 पर ही आपको दिख रहा होगा सरप्राइजिंग फैक्ट्स, येलो कलर का बॉक्स, ये भी रेडियस है आपका। अब पेज नंबर 69 पर आइए, 69 पर आपको दिख रहा होगा इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, ये वाला बॉक्स भी आपका रेडियस है। और यहीं पे पेज नंबर 69 पर ही आपको दिख रहा होगा गेट इन्फॉर्मेशन, इसी के नीचे गेट इन्फॉर्मेशन का बॉक्स है, दोनों क्वेश्चन आपके रेड्यूस हैं। और इसके बाद नीचे है लेट्स थिंक पेज नंबर 70 पर, तो ये भी रेड्यूस है। और पेज नंबर 70 पर ही ये नीचे का दोनों बॉक्स सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन और बुक्स आर माई फ्रेंड, ये दोनों के दोनों आपके रेड्यूस कर दिए गए हैं। इसके बाद आइए पेज नंबर 71 पर, 71 पर आपको दिख रहा होगा डू यू नो इन क्राइटेरिया सिचुएशन वाला, ये वाला डू यू नो भी आपका रेड्यूस है। अब आ जाइए पेज नंबर 74 पे, 74 पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे नीचे यूज़ योर ब्रेन पावर, तो यूज़ योर ब्रेन पावर वाला भी रेड्यूस है। और इसी के नीचे पेज नंबर 75 पर आपको यूज़ ऑफ ICT बुक्स आर माई फ्रेंड और ऑलवेज रिमेंबर दिख रहा होगा, तो ये तीनों के तीनों रेड्यूस है। अब आइए पेज नंबर 77 पर, आपको यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ दिख रहा होगा डेयरी प्रोडक्ट्स वाला, तो ये आपका रेड्यूस है। आगे पेज नंबर 78 पर यहाँ पे आपको लेट्स थिंक और डू यू नो दिया गया है सबसे लास्ट में, ये दोनों बॉक्स आपके रेड्यूस है। और इसके बाद देखिए पेज नंबर 80 पर, 80 पर यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस का ये बॉक्स दिया गया है, ये पूरा आपका रिड्यूस कर दिया गया है, ये वाला फ्रूट माइक्रो यूज वाला। अब आइए पेज नंबर 81 पर आपको यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर और सर्च दिया गया है, ये दोनों आपके रेड्यूस है। इसके बाद पेज नंबर 82 पर देखिए, 82 पर आपको यहाँ पे कैन यू टेल के तीनों क्वेश्चंस कट हैं। अब पेज नंबर 83 पर आइए, 83 पर आपको लेट्स थिंक दिया गया है, लेट्स थिंक भी आपका रेड्यूस है। इसके बाद पेज नंबर 84 पर देखिए कैन यू टेल, ये कैन यू टेल का एक क्वेश्चन आपका रिड्यूस कर दिया गया है। अब आइए पेज नंबर 85 पर, पेज नंबर 85 पर आपको दिख रहा होगा इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, तो ये भी रिड्यूस है। इसके बाद पेज नंबर आइए डायरेक्ट 88 पर, 88 पर आपको दिखेगा कैन यू रिकॉल, तो ये कैन यू रिकॉल आपका कट है। और इसके नीचे का ऑब्जर्व जो है ये भी आपका कट है, ऑब्जर्व पूरा। अब आइए पेज नंबर 89 पर, 89 पर आपको दिखेगा यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ, ये ब्लू बॉक्स के ऊपर का ये आपका कट है। और इसके नीचे जो है आपका यूज़ योर ब्रेन पावर, ये यूज़ योर ब्रेन पावर भी आपका कट हो चुका है। अब पेज नंबर 90 पर आइए, 90 पर आपको इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड दिख रहा होगा, ये भी आपका रेड्यूस है। इसके बाद आइए पेज नंबर 91 पर, 91 पर आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा ऑलवेज रिमेंबर ऑर्गन डोनेशन वाला, तो ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद इसी के नीचे आपको रिकॉल अ लिटिल, इसके तीनों क्वेश्चंस कट हैं। और इसके बाद देखिए पेज नंबर 92 पर, 92 पर आपको दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो ये बॉक्स आपका पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद 93 पर देखिए आपको दिख रहा होगा यूज़ ऑफ ICT कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस हाइब्रिड वेरियंट्स ऑफ एनिमल्स, ये वाला आपका रेड्यूस है। इसके बाद पेज नंबर 94 पर आपको दिख रहा होगा डू यू नो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाला, तो ये आपका रेड्यूस है। अब पेज नंबर 95 पर आइए, 95 पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, और इसके नीचे का ब्लू बॉक्स सी द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बायोटेक्नोलॉजी, और इसके नीचे का पीक इनटू द हिस्ट्री, तो ये वाला ये पूरा आपका रेड्यूस है 95 पेज नंबर पर। इसके बाद 96 पर आइए, 96 पर आपको दिख रहा होगा क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पॉइलेज स्पिलेज इन ओशन, यहाँ पे ये येलो बॉक्स, तो ये भी आपका रेड्यूस है। अब 97 पर आइए, 97 पर आपको दिख रहा होगा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और इंटरनेट इज़ माई फ्रेंड, ये दोनों के दोनों आपके रेड्यूस हैं। और इसके बाद देखिए पेज नंबर 101 पर आपको दिया गया ऑब्जर्व एंड डिस्कस,
ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट वाला, तो ये चार्ट और ये क्वेश्चन ये पूरा कट है पेज नंबर 101 पर। इसके बाद आया जाइए पेज नंबर 103 पर। 103 पर आपको दिया गया है थिंक व्हेनेवर द इंसिडेंट शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर इज रेशनल एक्सप्रेस योर ओपिनियन वाला, ये आपका रेडियस है। और इसके नीचे पेज नंबर 103 पर आपको दिया गया है कंपेयर, ये कंपेयर भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। अब आ जाइए सीधा पेज नंबर 104 पर। 104 पर आपको दिखा है रिकॉल अ लिटिल, ये रिकॉल अ लिटिल के दोनों क्वेश्चंस आपके रिड्यूस कर दिए गए हैं। भाई पेज नंबर 105 पर, 105 पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा विजिट द वेबसाइट ऑफ साइबर, ये वाला इंटरनेट इज माय फ्रेंड, और उसके नीचे का ये पूरा पैराग्राफ, और इसके आगे के पेज पर भी है पैराग्राफ का कंटिन्यू है, तो ये भी रेड्यूस है। ये आपको पिंक बॉक्स करके जो पॉइंट्स दिए गए ये रेड्यूस है, और इसके नीचे आपको दिया गया है डू यू नो, इसी के नीचे ये पिंक कलर का बॉक्स, ये भी आपका रेड्यूस है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 107 पर। 107 पर आपको येलो बॉक्स दिया गया है नीचे ऊपर राइट साइड में, ऑलवेज रिमेंबर, ये भी आपका रेड्यूस है। इसके बाद पेज नंबर 109 पर आइए। 109 पर आपको दिख रहा होगा कैन यू रिकॉल व्हाट इज डिजास्टर से लेकर तो कंडीशंस थे कंडीशंस तक, ये तीनों क्वेश्चंस। अब आइए पेज नंबर 110 पर। 110 पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेट्स डिस्कस, ये डिस्कस का पूरा क्वेश्चन आपका कट है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 111 पर। पेज नंबर 111 पर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लेट्स थिंक, यहाँ पे येलो बॉक्स, तो ये जो लेट्स थिंक है ये लेट्स थिंक आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है। इसके बाद पेज नंबर 113 पर आइए। 13 पर आपको यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये भी आपके सिलेबस में रिड्यूस है। इसके बाद पेज नंबर 115 पर देखिए आपको ट्राई दिस दिया गया है यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर, ये ट्राई दिस आपका रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस में से कम कर दिया गया है। इसके बाद पेज नंबर 115 पर ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये जो पैराग्राफ है इसका ये पूरा रिड्यूस कर दिया गया है। और इसी के नीचे पेज नंबर 115 पर ही आपको दिख रहा होगा गेट इन्फॉर्मेशन, ये गेट इन्फॉर्मेशन का भी बॉक्स आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 116 पर। 116 पर आपको ऊपर दिख रहा होगा इंटरनेट इज माय फ्रेंड, और इसी के नीचे हु डज व्हाट, तो ये दोनों के दोनों बॉक्स आपके सिलेबस में से रिड्यूस है। इसके बाद 117 पर आइए। 17 पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है, ये सभी ए बी सी डी एफ थे। और सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको कंप्लीट द चार्ट, ये कंप्लीट द चार्ट भी आपके सिलेबस में से कैंसल है। इसके बाद 118 पर देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाला है गेट इन्फॉर्मेशन वाला, ये गेट इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस में से रेड्यूस है। और इसके बाद पेज नंबर 119 पर आपको दिख रहा होगा इंटरनेट इज माई फ्रेंड, ये यहाँ पे मतलब 118 पर है ये, इस पे 19 पर दिया पीडीएफ में, इसके ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे 18 पर इंटरनेट इज माय फ्रेंड, ये आपका रेड्यूस है। और इसके नीचे पेज नंबर 119 पर ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑलवेज रिमेंबर भी आपके सिलेबस में से रेड्यूस है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा साइंस पार्ट टू का रेड्यूस सिलेबस। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और नए नए वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके सीधा ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का ये वीडियो ख़त्म होता है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।